हेलो एवरीवन, विदाउट वर्ब नथिंग कैन बी ड्रीम्ड अप एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्ब इट इज इवन इनकम्प्लीट इन सेंस. सो टुडे इन दिस वीडियो फॉर TGT इंग्लिश वी विल लर्न अबाउट सेंटेंस दैट विल हेल्प यू अलॉट टू गेट इट वेल. रूल नंबर फर्स्ट, यहां पर पहले रूल में आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट और अप्रोच ट्रांजिटिव वर्ब हैं. इनके बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन ही आता है, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके बाद नहीं किया जाता. उदाहरण के लिए, दे डिड नॉट आंसर टू हिम. यहाँ पर आप देख रहे हैं टू लगा है आंसर के बाद, तो आप टू को रिमूव कर दें. दे अटैक्ड ऑन द हाउस, यहाँ पर आप अटैक के साथ में ऑन लगा है, ऑन को रिमूव कर दें. वी शैल डिस्कस अबाउट इट, डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, ट्रांजिटिव है डिस्कस, अबाउट हटा दें. ही हैज़ मैरिड विद सीता, मैरिड अगर एक्टिव वॉयस में है तब कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, विद हटा दें. निखिल विल पास इन द एग्जाम, पास के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, इन हटा दें. आई एक्सेप्ट टू दैट ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर से पहले एक्सेप्ट वर्ब है, ट्रांजिटिव है, टू हटा दें, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. वी आर अप्रोचिंग टू द ब्रिज, यहाँ भी अप्रोच के बाद में टू लगा है, टू को आप रिमूव कर दें. एक बात याद रखिए, अगर मैरी एक्टिव वॉयस में है तब तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन वही मैरी अगर पैसिव वॉयस में लिखी जाए तब जो है उसके साथ प्रीपोजिशन अवश्य लगता है. उदाहरण के लिए, राम मैरिड सीता एक्टिव में, जो कि पैसिव में राम वाज मैरिड टू सीता हो जाता है. दूसरे रूल की तरफ अगर हम चलें, विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज और डिस्क्राइब, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता. उदाहरण के लिए, आई विजिटेड टू माई फ्रेंड, यहाँ पर आप टू हटा दें, विजिट लगा हुआ, विजिट जो है ट्रांजिटिव है. दूसरा, सी रीच्ड टू माई हाउस, रीच ट्रांजिटिव है, टू हटा दें. आई विजिटेड टू माई फ्रेंड, विजिट ट्रांजिटिव वर्ब है, टू का प्रयोग अनावश्यक है, टू हटा दें. इसी तरह, दे कन्फ्यूज बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब, यहाँ से आप बिटवीन शब्द हटा दें क्योंकि कन्फ्यूज ट्रांजिटिव वर्ब है. ही डिस्क्राइब्ड अबाउट वाट ही हैड सीन, यहाँ पर डिस्क्राइब ट्रांजिटिव है, तो पुनः आप जो है अबाउट शब्द को हटा दें जो कि प्रीपोजिशन है. एक बात याद रखिएगा, क्लाइंब ए ट्री भी लिख सकते हैं या फिर क्लाइंब अप ए ट्री भी लिख सकते हैं, क्लाइंब के साथ अप का प्रयोग किया जा सकता है, अन्य किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है. जैसे अगर आप लिख दें कि ही क्लाइंब्ड इन द ट्री तो गलत हो जाएगा, इन के जगह आप पहले तो इन हटा ही दें और अगर यूज करना है तो अब आप जो है वहां पर आपका प्रयोग कर दें. रूल नंबर तीन देखते हैं, डिसबिलीव, एंजॉय, इंटर और ग्रीट, ये सभी वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके बाद बिल्कुल नहीं होता. हाँ, बिलीव को अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग करें तब इसके बाद में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, आई डिसबिलीव इन एट ऑल,
यहाँ पर आप आई डिसबिलीव इट कम्प्लीटली लिख सकते हैं, या फिर आई डोंट बिलीव इट एट ऑल, या फिर बिलीव के बाद में इन का प्रयोग कर सकते हैं। आई एंजॉय इन डूइंग इट, यहाँ से आप इन हटा दें, सही हो जाएगा। आई एंजॉयड फ्रॉम माई फ्रीडम, एंजॉयड के बाद फ्रॉम लगा है, फ्रॉम को हटा दें। आई एंटर्ड इन द हाउस, यहाँ पर आप इनको रिमूव कर दें, सही हो जाएगा। ही ग्रीटेड टू मी, ग्रीटेड के बाद में टू अनावश्यक है, प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, टू हटा दें। रूल नंबर 4 को देखें, गिव टेक हेल्प ज्वाइन और लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। उदाहरण के लिए, ही गेव टू मी ए पेन, यहाँ से टू हटा दें। ही टेक्स टू इट, यहाँ भी आप टू हटा दें। सी ऑलवेज हेल्प्स टू हर मदर, टू अनावश्यक है, इसे हटा दें। ही ज्वाइन टू देम, ज्वाइन के बाद में टू अनावश्यक है, हटा दें। दे डोंट लाइक टू हिम, यहाँ भी टू फालतू है, हटा दें। इस तरह से रूल नंबर 5 को देखें, नीड ओबे अपोज पास और सर्व, ये सभी वर्ब ट्रांजिटिव हैं और इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सिवाय प्रीपोजिशन के आता है, अर्थात प्रीपोजिशन नहीं होता। हाँ, अगर पास का मतलब गुजरना हुआ तब आप इसे पास या पास बाई लिख सकते हैं, लेकिन यदि इसका मतलब से होकर गुजरना हुआ तब आप इसके लिए पास थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वी नीड टू गुड फूड, यहाँ पर नीड के बाद में टू अनावश्यक है, प्रीपोजिशन नहीं लगना है, टू हटा दें। यू शुड ओबे टू योर पेरेंट्स, यहाँ भी टू हटा दें, फालतू है। ही अपोजेज अगेंस्ट अस, यहाँ भी अगेंस्ट शब्द जो कि प्रीपोजिशन है, हटा दें। यू शुड सर्व टू योर कंट्री, सर्व के बाद में टू का प्रयोग गलत है, हटा दें। ही पार्ट फ्रॉम द पार्क, वही बात कि फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं लगेगा पास के बाद में, अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो पास बाई लगाएं, फिर आपका वाक्य सही हो जाएगा। स्टॉप स्ट्रेच टीच ट्रीट टर्न, रूल नंबर 6 में ये सब टीवी हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण के लिए, ही स्टॉप्ड विद रीडिंग, यहाँ से आप स्टॉप्ड के बाद में विद लगाए, इसको हटा दें, सही हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू स्ट्रेस ऑन सम ग्रामेटिकल रूल्स, तो स्ट्रेस के बाद में ऑन लगा हुआ है, अनावश्यक है, हटा दें। आई टीच टू सोल्जर्स, यहाँ टीच के बाद टू नहीं लगना चाहिए, प्रीपोजिशन है, हटा दें। ही ट्रीटेड टू हर बैडली, यहाँ पर टू गलत लगा हुआ है, हटा दें प्रीपोजिशन को। ही टर्न्ड एट द नॉब, यहाँ भी टर्न के बाद में एट प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, एट को हटा दें। रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ट्रस्ट और यूज, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद भी ऑब्जेक्ट चाहे कोई नाउन हो चाहे कोई प्रोनाउन हो लगता है, किंतु प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, आई डू नॉट ट्रस्ट टू हिम, यहाँ पर ट्रस्ट के बाद टू लगा हुआ है, प्रीपोजिशन आप हटा देंगे। आई कैन डू इट विदाउट यूजिंग ऑफ ए नाइफ, यहाँ यूजिंग ऑफ, यूज के बाद में आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन है, हटा दें। रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बिहेव कमेंट गो इंटरफियर और लिसन, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद में प्रीपोजिशन आता है, ना कि कोई नाउन या प्रोनाउन। उदाहरण के लिए देखते हैं कि ही बिहेव्ड हर बैडली, इसको आप ऐसा लिखें, ही बिहेव्ड बैडली टुवर्ड्स हर। दूसरा, आई वॉन्ट कमेंट व्हाट पीपुल से, कमेंट के बाद में ऑन शब्द का प्रयोग होना चाहिए, प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप ऑन यूज़ करें वहाँ पर कमेंट के बाद में। ही हैज़ गॉन प्रयागराज, गो आपका इंट्रांजिटिव है तो गो के बाद में टू लगना ज़रूरी है, तो प्रयागराज से पहले या गॉन के बाद में टू लगना चाहिए। डोंट इंटरफियर देयर क्वेरल, इंटरफियर आपका इंट्रांजिटिव है, इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगाइए, तो क्वेरल से पहले आपको इन लगना ज़रूरी है।
लिसन मी नाउ, यहाँ पर लिसन के बाद में टू लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है अगर इस तरह से इन प्रीपोजिशंस को यहाँ लगाते हैं तभी आपका वाक्य सही होगा। रूल नंबर 9 को देखें, लुक प्रॉफिट रिप्लाई रिजल्ट और सक्सीड, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए लेकिन नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए ही वॉज लुकिंग मी, यहाँ पर लुकिंग के बाद में एट का प्रयोग करें, प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। लुकिंग एट ए टीचर प्रॉफिट्स लॉन्ग हॉलीडे, यहाँ पर प्रॉफिट्स के बाद में फ्रॉम का इस्तेमाल करें क्योंकि प्रॉफिट इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही डिडंट रिप्लाई मी, यहाँ भी रिप्लाई के बाद में टू की ज़रूरत है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। इट में रिजल्ट ट्रबल, यहाँ पर रिजल्ट के बाद में इन लगता है, प्रीपोजिशन इन के रूप में आप यहाँ पर इन लगा दें, सही हो जाएगा। सी सक्सीडेड हर एग्जामिनेशन, सक्सीडेड के बाद में हमेशा इन का प्रयोग किया जाएगा। आई एम वेटिंग यू, यहाँ आप देख रहे हैं वेटिंग इंट्रांजिटिव है, इसके बाद में फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर हम रूल नंबर 10 को देखें, अगर हम किसी से कुछ कहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं आस्क हिम हर देम एट्सेट्रा। अगर हम किसी से पूछते हैं तो हम कहते हैं आस्क हिम हर समथिंग, अर्थात आस्क हिम ए क्वेश्चन। अगर हम किसी से कुछ करने को कहते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी टू गो, किंतु जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तब हम कहते हैं या इस्तेमाल करते हैं आस्क हिम हर फॉर समथिंग, जैसे कि ही आस्क्ड मी फॉर मनी। उदाहरण के लिए आई विल आस्क इट टू हिम, यहाँ पर आप टू को हटा दें क्योंकि आप आस्क जो कर रहे हैं आप किसी से कह रहे हैं, तो जब आप किसी से कह रहे हैं तो टू का प्रयोग नहीं लगेगा। आस्क हिम, He will ask from me a question, यहाँ पे किसी से पूछा गया है, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है, from का इस्तेमाल गलत है, तो he will ask me a question, यहाँ पर आप from को हटा दें। I asked you that you या फिर tell him your story, तो यहाँ पर that को to से replace कर दें तब आपका वाक सही हो जाएगा। He will ask to him some money, यहाँ आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो to him some money, to को आप हटा दें, to के जगह पर आप for का प्रयोग करें लेकिन वाक बनेगा he will ask him for some money। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तब आपका वाक सही होगा। रूल नंबर 11 को देखें, avail enjoy के बाद में रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स इत्यादि, और इसके साथ साथ आफ भी लगा होता है। किंतु हम ये भी कहते हैं इंजॉय समथिंग, इंजॉय डूइंग समथिंग, या फिर इंजॉय योर सेल्फ डूइंग समथिंग। उदाहरण के लिए Did you avail the opportunity, यहाँ पर avail के बाद में yourself का प्रयोग करें, reflexive case pronoun का जाके सही हो जाएगा। I enjoyed at the party, यहाँ पर आप enjoyed के बाद में myself का प्रयोग करें, वाक सही हो जाएगा। हाँ, I enjoyed the party भी सही है। आगे I enjoyed myself the fresh air, यहाँ गड़बड़ हो गया है, तो तथ्यों को देख करके ही आप रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, खासकर एंजॉयड के मामले में। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ द फ्रेश एयर, यहाँ पर आप अपने आप को हटा लें, अर्थात माई सेल्फ को हटा दें, सही हो जाएगा। आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यहाँ पर आप ड्यूरिंग द हॉलीडेज के लिए एंजॉयड
माई सेल्फ का प्रयोग करें सही होगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ डांसिंग विद यू, यहाँ पर आप माई सेल्फ को हटा दें, वाक आपका सही हो जाएगा। रूल नंबर 12 को यदि हम देखें, इनफॉर्म और ऑर्डर, इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, आई इन्फॉर्म्ड दैट आई हैड अराइव्ड। अब आप नाउन या प्रोनाउन, आपने इन्फॉर्म किसे किया, तो इन्फॉर्म्ड यू, आप यहां पर यू लगाएं। इन्फॉर्म्ड के बाद में ही ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। अब चाहे नाउन को आप या फिर प्रोनाउन का यूज करें, आपने ऑर्डर किसको दिया, तो ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड अस टू फॉलो हिम, या आप प्रोनाउन पहले भी ले सकते हैं, वी वर ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में सी यू वेरी सून।